अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, द एज ऑफ द एबिसिड चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर चुके थे, और इवन लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट वीडियो नंबर 19 थी उसमें इस चैप्टर को, सॉरी, इस पेज यानी पेज नंबर 70 को कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो नंबर 20 का स्टार्ट है। वीडियो नंबर 20 की बात करें तो आज हमारा टॉपिक है पेज नंबर 72, रीजनल किंगडम्स, यानी कि वो जो बादशाहत जो इलाकाई थी। इलाकाई से मुराद ये है कि जो पहले जो एक बड़ी सल्तनत थी उसमें मुख्तलिफ छोटी छोटी सल्तनतें आज़ाद होती चली गईं, तो फिर आज़ाद होती चली गईं तो फिर उन रीजनल यानी कि उन जगहों पर इलाकाई हुकूमत कायम हुई, बादशाहत कायम हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज द एबेसिड डायनेस्टी ग्रू वीक आफ्टर द डेथ ऑफ ममून, जैसे ही मामून रशीद के हवाले से बात की गई थी कि मामून रशीद का इंतकाल हुआ, और इंतकाल होने के बाद जो उनकी एक सल्तनत थी वो कमज़ोर होती चली गई। द वेरियस रीजन्स कंक्वर्ड बाय द अरब्स, ज़्यादातर जो फिर जो इलाके थे यानी कि मुख्तलिफ जो कि एबेसी डायनेस्टी में आते थे जो कि इलाके, वो फ़तेह कर लिए गए अरब्स के ज़रिए। यानी अरब जो थे उन्होंने स्टार्ट कर उन्होंने इन इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट अंडर द लोकल रूलर्स, यानी कि वो छोटे छोटे हुक्मरानों के ज़रिए, एक अलग अलग रियासतों के ज़रिए वो क्या होना शुरू हो गए, बगावत, जिसे हम कह सकते हैं कि जब मामून रशीद का इंतकाल हुआ तो उसके बाद बगावत शुरू हो गए मुख्तलिफ जगहों पर। उन्होंने अपने अपने हुक्मरान, अपने अपने जो उनके रूलर्स थे, उन्होंने वहाँ अपने अपने जो अरब के इलाके थे उन्हें आज़ाद कराना शुरू कर दिया। हु वर ऑल मुस्लिम्स बाय देन, यानी कि वो हत्ता कि वो तमाम जो थे वो सब मुसलमान ही थे। इजिप्ट डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1877 AD, मिस्र ने अपनी हुकूमत जो थी वो, यानी कि मिस्र जो था पहले अब्बासी हुकूमत में आता था, अब्बासी की रियासत में आता था, लेकिन बाद में उन्होंने भी क्या करा, अपनी आज़ादी यानी अपनी आज़ादी को डिक्लेयर कर दिया। यानी कि वो उन्होंने कहा कि अब हम आज़ाद हैं, अब हम किसी के मातहत नहीं हैं, यानी कि हम अब्बासी हुकूमत के मातहत नहीं हैं, बल्कि हमारी अपनी एक हुकूमत कायम होगी, जो कि 870 में ये काम हुआ। सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया रिसीव्ड सॉरी रिवीव्ड रिवाइव्ड अंडर द सेमेंट्स इन 900 AD, यानी कि पर्शिया वगैरह की बात की जाए तो वो सेमेंट्स में 900 के जो 900 का जो ईस्वी थी उसके अंदर पता हुआ है। एंड अफगानिस्तान बिकेम अ वर्ल्ड पावर अंडर द गजनविद्स, यानी कि अफगानिस्तान की बात करें तो इन्हीं के बाद अफगानिस्तान जो था वो एक बहुत ताकतवर दुनिया में उसका शुमार होने लगा। इन दुनिया में से एक ताकतवर मुल्क के तौर पर तस्वुर किया जाने लगा, ताकतवर रियासत के तौर पर समझा जाने लगा। गजनवी जो एक गजनवी महमूद गजनवी जो थे उनके हुक्मरानी के बयान लिखा हुआ मेंशन है, हुज़ मोस्ट फेमस किंग वॉज़ महमूद गजनवी, उनके सबसे मशहूर जो उनके रूलर थे, बादशाह जो थे, उनका नाम था महमूद गजनवी। अबाउट हुम यू हैव रेड इन द प्रीवियस क्लास, मतलब इनके महमूद गजनवी के हवाले से आप क्लास 6 में पढ़कर आ चुके होंगे। अदर रीजन्स फॉलोड, यानी कि बहुत सारे इलाके थे वो भी मीन्स उन्हें देखे गए। एज अ रिजल्ट द अथॉरिटी ऑफ द एबेसिड डायनेस्टी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू बगदाद। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता और नतीजतन ये हुआ कि अब्बासियों की जो हुकूमत थी वो सिर्फ बगदाद तक ही महदूद हो गई, यानी कि अब्बासी की जो हुकूमत जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थी वो सब इलाके फतह होते चले गए। तो जहाँ अब्बासी मौजूद थे यानी कि कैपिटल उनका क्या था, बगदाद, जैसे कि हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, तो बगदाद में ही वो लोग रहा करते थे। तो इसी वजह से बगदाद में ही सिर्फ अब्बासियों की हुकूमत कायम थी। वाइल अफ्रीका इजिप्ट पर्शिया एशिया माइनर तुर्की अफगानिस्तान एंड साउथ एशिया ऑल वर रूल्ड बाय इंडिपेंडेंस रूलर, यानी कि ये तमाम ममालिक से अफ्रीका था, मिस्र था, मीन्स ईरान था, तुर्की था, और अफगानिस्तान की बात करें या साउथ एशिया के दूसरे ममालिक की बात की जाए तो वो अपने अपने आज़ाद हुक्मरानों के पास मौजूद थे, यानी कि आज़ाद हुक्मरान उन पर हुक्मरानी कर रहे थे। हाउ एवर मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स एक्सप्रेस्ड आर टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द अब्बास एबेसी रूलर्स, अच्छा अब ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने अब्बासियों से अपनी एक मीन्स अलीहदगी अख्तियार की और अपनी आज़ादी को तसव्वुर किया तो वो उन्हें क्या कर सक क्या करें बुरा करें, नहीं, बल्कि ये लोग उन्होंने यानी कि मुसलमान थे, मुसलमान ही सब थे, तो
तो उन्होंने अब्बासियों के जो हुक्मरान थे उन्हें रिस्पेक्ट देना नहीं छोड़ी, यानी कि वो उन्हें अब तक क्या कर रहे थे, इज्जत दिया करते थे। हु वर स्टिल नोन बाय द टाइटल ऑफ कैलिफ, इसी वजह से फिर जो अब्बासी के जो रूलर्स थे उन्हें खलीफाओं का एक लकब दिया गया, यानी कि अब्बासी के जो पहले जो रूलर्स थे वो खलीफा नहीं कहलाया करते थे, वो सिर्फ एक रूलर, नॉर्मली रूलर थे। लेकिन जब उन मुख्तलिफ जो रियासतें थीं जो कि पहले अब्बासियों के पास थीं, वो बाद में जब अलग अलग रियासतें हुई जैसे मिस्र वगैरह, पर्शिया हो गया, अफ़गानिस्तान, ये तमाम, तो इन्होंने कभी अपनी आज़ादी के बाद भी अब्बासी के जो खुलफाए अब्बासी के जो बादशाह थे जैसे हारून अल रशीद, मामून अल रशीद और मुख्तलिफ, उन्हें इज़्ज़त देना ना छोड़ी, बल्कि उन्हें इज़्ज़त इतनी दी कि उनको खलीफाओं के लकब से नवाजा। ये पेज नंबर 72 था, चैप्टर रीजनल किंगडम्स का पैराग्राफ, ये फिफ्थ पैराग्राफ था, इसे हमने क्लोज़ किया। इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे बाद में पढ़ेंगे। खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।